हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और हमारी आज की रेसिपी है मूंग दाल का चीला। सो ये चीला आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, अपने स्नैक्स में खा सकते हो, प्लस अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। चीला बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम दाल, एक बाउल ओवरनाइट सोक्ड या 5 से 6 घंटे भिगोई हुई, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। 2 चम्मच चाहिए यहाँ पे टमाटो केचप के, एक मीडियम साइज प्याज, 2 से 3 चम्मच अदरक, एक मिर्ची, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, 1 कटोरी पनीर और 1 कटा हुआ टमाटर। अब चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। सो बैटर बनाने के लिए मैंने मिक्सिंग जार में डाल दूंगी भिगोई हुई दाल, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 3 से 4 टेबलस्पून पानी और इसको कर लेंगे ग्राइंड। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे फूलने के लिए। अब फिलिंग बनाने के लिए मुझे चाहिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची। और आधे मिनट के लिए हमें इन्हें भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब डालेंगे इसमें प्याज। 2 मिनट के लिए हमें प्याज को फ्राई कर लेना है, जब तक प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। अब सब्जियों को मसालों के साथ मिला लेंगे और इसमें डाल देंगे पनीर। सारी सब्जियों को मिला लेंगे और ढककर रख देंगे इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 2 मिनट बाद हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, ज़्यादा गली भी नहीं है, ज़्यादा कच्ची भी नहीं है। इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च, टमाटो केचप। और टमाटो केचप डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं और गैस कर देंगे ऑफ और हमारी फिलिंग होगी रेडी। अब हम स्टार्ट करेंगे चीला बनाना। सो चीला बनाने के लिए मैंने पैन में डाला है बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, जस्ट पैन को ग्रीस करने के लिए। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच बैटर के। चीले आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हो। बैटर को इसमें हम फैला लेंगे। उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल और जैसे ही हमारा चीला नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसे कर देंगे टर्न और इसी तरीके से सेक सेक के हमें इसे दोनों तरफ से पका लेना है। अब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्टफिंग। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे हमने स्टफिंग डाली है इसमें और इसको कर देंगे दोनों तरफ से बंद। अब 1/2 मिनट के लिए हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे और ये हमारा चीला बिल्कुल रेडी है। निकाल लेंगे इसे प्लेट में और सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।